बरादरी के चलते आए हमेशा, और बरादरी के चलना जी सभा है पोलिटिकल अस बरादरी के चलना, और इस सभा भी छड़ने अज सभा ने साडा अजवा कोई लैन देन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम सही से नहीं हो रहा है तो आप जो ये चीजें हैं सभा में बैठ के सॉल्व करें, उसको पब्लिकली इशू ना बनाएं। तुसा की कला कि इत्थे बैठना सवेरे शाम नूं इत्थे बैठना, ये सभा थोड़ी बारा करता। तुसा अगर तुसा अपना स्टैंड रखो एक जगह चलो अपना। सभा के बैनर के अंडर जिस दिन ये होगा तो हम उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे कि जो लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं वो शायद खुद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने चलाओ सानू माफ करो, साढ़े को पोलिटिकल इधर भी जाओ उधर भी जाओ, साढ़े को स्टैंड है इक्के जगह खड़ोते हैं इक्के जगह खड़ोते हैं। हमारी जितनी भी टीम है उन्होंने वोट तो डालना ही है और किसी ना किसी को तो सपोर्ट करनी है उन्होंने, तो आज भी हम ये बोल रहे हैं और पहले भी हम ये बोलते आए हैं कि हमारा जो हमारी सभा है उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स बड़ी ज़्यादा होगी मगर जब बात आती है सभा की तो उसमें सिर्फ सभा की ही बात होगी, उसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी। ज्वाइन कर रहे हैं उनको कोई शिकायत है तो एटलीस्ट उनको एक बार हमारे प्रधान जी से बात करनी चाहिए, प्रधान जी से बात क्लियर करके फिर फर्दर एक्शन जो है उनको लेना चाहिए। क्या आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आपको रिलायबल गाइडेंस कहां से मिले? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर रफाई, मैं फाउंडर और सीईओ हूं टीआर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का। हम पिछले 7 सालों से वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं। अभी तक हमने 1500 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को उनकी वेबसाइट बनाने में हेल्प की है। तो चाहे आपको कस्टम वेबसाइट बनानी हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो या कोई भी किस्म की डायनामिक वेबसाइट बनानी हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी फिजिकल प्रेजेंस ऑफिस की जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। ये हर साल की तरह इस साल भी हम रैली निकाल रहे हैं अपनी 23 सितंबर को, और काफ़ी इसमें वॉलंटियर हमारे आगे आए हैं। कुछ हमारे भाई गगवाल के हैं, कुछ नड के, कुछ सरने के, कटली के, मतलब हर जगह के हमारे साथ जो यूथ है वॉलंटियर होके हमारे साथ आया है। इस साल भी हम बड़ी धूमधाम से रैली मनाएंगे, और आज की मीटिंग जो थी हमारी, हमने कुछ जो वॉलंटियर हैं हमारे उनको हमने कुछ ओहदे दिए हैं जिनको सम्मानित किया गया है, तो इनसे भी आशा है हमें कि ये भी हमारे साथ वॉलंटियर होके 23 सितंबर को अपनी रैली धूमधाम से मनाएं। बस इस टाइम पे मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि 23 तारीख के लिए हमारे जितने भी भाई लोग आज आए हैं, चाहे वो नड से हों, चाहे वो दोड़ा से हों, सांबा से हों, कटली से हों, विजयपुर से हों, गगवाल से हों, सभी के सभी लोगों में आज एक सहमति बन गई है कि उनकी तरफ से 23 तारीख को यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी के लिए सारे लोग उपस्थित होंगे, वो लोग शामिल होंगे। तो ये आश्वासन और इस मीटिंग का मेन जो मुद्दा आज था वो था एकजुटता, हम लोगों में एक यूनिटी बने रहे ताकि 23 के बाद भी हम लोग, ये ना हो कि 23 के बाद एकदम से मतलब सब कुछ मैटर ख़त्म हो गया और अब हम लोगों में मीटिंग नहीं होगी, ये चीज़ रेगुलर होगी ताकि इसके बाद हम कोई नया मुद्दा, कोई जो प्रॉब्लम है अभी सांबा डिस्ट्रिक्ट में, वेदर वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए है या फिर कोई और वुमेन सेफ्टी के लिए कोई अप्रोच है, हम बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे। सभी को जयदेव, जय राजपूताना। और आज जैसे कि आपने देखा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं अभिषेक संभ्याल, उनकी तरफ से एक जॉइनिंग का प्रोग्राम रखा गया था और बहुत सारा जो यूथ है आज बड़ी संख्या में उसने युवा राजपूत सभा को ज्वाइन करा है। और जैसे कि बहुत सारी बातें चल रही हैं कुछ दिनों में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मैं सारे राजपूत समाज से यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये अपील करूँगा कि सारे एकजुट होके रहें, और सभा की अगर आपसे आपको कोई सभा में अगर कोई गलती लग रही है या कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि कोई काम सही से नहीं हो रहा है तो आप जो ये चीज़ें हैं सभा में बैठ के सॉल्व करें, उसको पब्लिकली इशू ना बनाएं। जैसे कि आपने कुछ दिनों में देखा होगा कि बहुत सारे जो रिज़ाइन दिए गए हैं पोस्ट से जो युवा रायपुर सभा की, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपको सभा से जो भी आपको शिकायतें हैं वो आप एकजुट हो के एक टेबल पे बैठ के एक बंद कमरे में बात करें, उसको पब्लिकली उसको जो है वो हाईलाइट ना करें।
और दूसरा हमारा, जैसे आपको हमारे प्रधान साहब ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हम 23 सितंबर का जो प्रोग्राम है वो बहुत धूमधाम से मनाएंगे। महाराजा हरि सिंह जी की जयंती का प्रोग्राम है और इसमें हमारी रैली का प्रोग्राम रहता है जो कि हरि सिंह चौक से शुरू होती है और हरि सिंह चौक में ही आके ख़त्म होती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं संजय सिंह जम्बाल, जो कि बहुत हमारा साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। दूसरा हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मनदीप सिंह चिप जी, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। और जो हमारे सभा के प्रधान हैं विक्रम चिप, उनकी तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट आ रही है और हम वॉलंटियर होके काम कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं इन फ्यूचर की सभा जुड़ी हुई रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे राजपूत भाई हैं वो हमारा साथ दें। और जो हमारा हर साल की तरह, जैसे कि हम बहुत सारे काम करते आए हैं राजपूतों के लिए, सभा के लिए, डोगरा समाज के लिए, चाहे वो छुट्टी की बात हो, चाहे वो टोल की बात हो, इसी तरह से सभा के साथ जुड़े रहें और सभा का साथ दें। जय हिंद जय देव। सर एक सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से प्रधान जी से हमने बात करी थी, उन्होंने बोला था कि जो युवा राजपूत सभा है वो नॉन पॉलिटिकल सभा है। अब आपके ही जो मेंबर थे जिन्होंने कल रिजाइन दिया, उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि पॉलिटिकल होती जा रही है सभा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, हम पहले भी ये बोलते आए हैं और आज भी हम बोल रहे हैं, सभा जो है वो नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। अब एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारा वोट डालना हमारा राइट है। आप किसी भी पार्टी को चूज़ कर सकते हैं। जितना भी हमारा यूथ है, हमने उनको बहुत क्लियरली बोला हुआ है, जिसका आप सपोर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर सभा के बैनर के अंडर जिस दिन ये होगा तो हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे कि जो लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं वो शायद खुद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उनकी पोस्ट भी ली हैं, ओहदे भी लिए हुए हैं। और जैसे कि हमारे प्रधान हैं अभिषेक सम्भ्याल, इनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने कोई पोस्ट नहीं ले रखी है। मुझे पर्सनली 8 साल हो गए हैं सभा के साथ चलते हुए, सभा का काम करते हुए, मैंने आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का ओहदा नहीं लिया है, कोई पोस्ट नहीं लिया है। एज ए सिटीज़न हमारी जितनी भी टीम है, उन्होंने वोट तो डालना ही है और किसी ना किसी को तो सपोर्ट करनी है उन्होंने। तो आज भी हम ये बोल रहे हैं और पहले भी हम ये बोलते आए हैं कि हमारा जो हमारी सभा है उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। देखा जाए तो युवा राजपूत सभा डोगरों की एकता की बात करती है, क्या गुटबाजी दिखने को मिल रही है युवा राजपूत सभा में? देखिए अब हम जैसे कि कुछ भाई हैं वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर जब बात आती है सभा की तो उसमें सिर्फ सभा की ही बात होगी, उसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी। हाँ, अगर एक आधे किसी बंदे का आपको किसी मेंबर का बयान आता है कि वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं युवा राजपूत सभा का नाम लेके, तो आप उनको क्वेश्चन पुट करें, पूरी सभा को इस बारे में, इस चीज़ इस हरकत की वजह से पूरी सभा को आप ब्लेम मत करें। सभा पे भरोसा रखें, हमारे प्रधान जी हैं उन पे भरोसा रखें और सभा का साथ दें, ना कि उसको तोड़ने का काम करें। सर एक चीज़ हो रहा है कि जिस प्रकार आप देखें पॉलिटिकल पार्टी में रिजाइन हो रहे हैं, ऐसा जी सभा में होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक सवाल ये है, क्या जिन्होंने रिजाइन दिया उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा? देखिए वो हमारे, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, वो हमारे भाई हैं और वो सभा के साथ काम कर रहे थे और करते आ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर भी वो काम करें। जो भी उनकी शिकायतें हैं वो एक टेबल पे बैठ के वो सॉल्व करें। और जो ये रिज़ाइन वाली बात है, देखिए युवा राजपूत सभा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे राजपूतों की है, उसमें कोई ज्वाइन या रिज़ाइन वाली बात नहीं होती है। अगर उनको कोई पोस्ट मिली है एज ए मेम्बर ऑफ युवा राजपूत सभा, अगर वो रिज़ाइन कर रहे हैं, उनको कोई शिकायत है, तो एटलीस्ट उनको एक बार हमारे प्रधान जी से बात करनी चाहिए, प्रधान जी से बात क्लियर करके फिर फर्दर एक्शन जो है उनको लेना चाहिए। यहाँ पे जो रेजिग्नेशन इंस्टेंट हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो मैं एकदम से ये नहीं कहूँगा कि हम लोग उनके पास पहुँचेंगे नहीं, हमारी कोई अप्रोच नहीं रहेगी उनके पास ये चीज़ पता करने की कि एक्चुअल रीज़न क्या है। उसके लिए उन लोगों को एक बार आके मीटिंग में, हम लोग हफ्ते में हम ये कह सकते हैं कि एक या दो मीटिंग करते हैं जिसमें हमारा इस टाइम पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसमें कोई पॉलिटिकल अप्रोच, कोई भी पॉलिटिकल मतलब हमें सपोर्ट नहीं है। हमारा वो मुद्दा 23 सितंबर का है जो है महाराजा हरि सिंह जी के मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जयंती में शामिल होना। और हमारे इस टाइम पर मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के बारे में 23 तारीख के बाद एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि उनका रेजिग्नेशन के पीछे एक्चुअल मुद्दा क्या था, कहीं वो पॉलिटिकल सपोर्ट या कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं था।